कुछ दिन बिना लून का भोजन रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है। वसंत ऋतु में 10 से 15 दिन नीम के पत्ते, कोमल नीम के पत्ते 15-20 चबाकर सुबह पानी पीना, समझो 4 महीने गर्मी के आपके स्वास्थ्य के लिए कवच बन गया। स्वास्थ्य की बातें विवेक से आप कर लो। अगर नीम के पत्ते नहीं मिलते तो नीम का दातुनी रख लो, थोड़ा सा चबा चुबा के उसका रस ले लिया करो, उसे बहुत लाभ होता है। मुझे हुआ और मैं चबाता हूँ नीम का दातुन, नीम के पत्ते खा लेता हूँ अगर मिल जाते तो। शरीर कैसे तंदुरुस्त रहे ये भी विवेक चाहिए, मन कैसे प्रसन्न रहे ये भी विवेक चाहिए, बुद्धि में समता कैसे आए ये भी विवेक चाहिए, और जीवन की शाम होने के पहले जीवन दाता के साथ अपना एकत्व का अनुभव ये भी विवेक चाहिए। और विवेक कैसे मिलेगा, बिन सत्संग विवेक ना होई। एक तो मिलता है अपने पुण्य के प्रभाव से सत्संग, बिन पुण्य पुंज मिले नहीं संता, अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की कृपा से सत्संग मिलता है और अपने पुण्य पुंज से सत्संग मिलता है। आप शुभ कर्म करेंगे आपका विवेक होगा तो भी सत्संग में जाएंगे, और आप सत्कर्म करेंगे और ईश्वर को अर्पण करेंगे तो सद्भाव और सत्प्रेरणा आपको सत्संग में ले जाएगी। जो सत्संग में नहीं जाता वो कुसंग में जरूर जाता होगा, जो सत्कर्म नहीं करता वो कुकर्म जरूर करता होगा, और जो ईश्वर से प्रीति नहीं करता होगा है वो विकारों का शिकार जरूर बनता होगा। तुलसी ममता राम से समता सब संसार, ममता अपने परमात्मा से रखो, देह से ममता ना रखो, मैं ये हूँ मैं फलाना हूँ, 4 पैसे की डिग्रियां लेकर ईश्वर के साथ शत्रुता मत करो। तुम्हारी बुद्धि ईश्वर की सत्ता से है, आंखें ईश्वर की सत्ता से, और कई समाज के लोगों की कृपा से तुम ग्रेजुएट हुए हो, तुम अकेले ग्रेजुएट अपने बल से नहीं हुए हो या पिता के बल से नहीं हुए हो, शिक्षकों का भी सहयोग है, किताब छापने वालों का भी सहयोग है, स्कूल कॉलेज वालों का भी सहयोग है, समाज के कई लोगों का सहयोग है तुम्हें सुयोग्य बनाने में। तो तुम्हारी सुयोग्यता समाज के लिए होनी चाहिए, केवल अपने लिए करते तो आपने विवेक का और सामर्थ्य का दुरुपयोग करने का पाप किया है, आप दंड के पात्र हो जाएंगे। आपके आज तक की जो भी योग्यता है क्या आपकी अपनी अर्जित है? नहीं, उसमें माँ का सहयोग है, पिताश्री का सहयोग है, भैया और बहन जी का सहयोग है, पड़ोसियों का सहयोग है, साथियों का सहयोग है, और परम सत्य स्वरूप परमात्मा का तो पहले से अभी तक और अभी से बाद तक सहयोग है। और उन सारी योग्यताओं को तुम अपना मानकर अहंकार करते हो तो आपने विवेक का गला घोटा है। अब आपने विवेक का गला घोटा है तो अविवेक तुम्हारा गला घोटेगा। क्या करें, बड़ा बेचैन हूं, शांति नहीं, हाउस है, गाड़ी है, मिसिस है, बट मैं क्या करूं, मैं अपना दुख मिटाने के लिए शराब पीता हूं। ये अविवेक का और अविवेक हुआ। लोग कहे क्यों पीते हो, मन कहता है क्यों जीते हो, मन कहता है क्यों पीते हो, जीने की कोई राह नहीं, पीने की कोई चाह नहीं, मैंने भी सीख लिया। अरे वो तो एक्टिंग करके रुपए कमा रहा है और तू मूर्ख बनकर शराबी बन रहा है, तूने विवेक का गला घोटा लाला। बजाओ ताली, सहमति है, निकालो ताली, बजाने का शौक हो सकता। दुख ईश्वर ने नहीं बनाया, दुख माया ने प्रकृति ने नहीं बनाया, दुख किसी देवी देवता ने ना बनाया, दुख अविवेक से पैदा हुआ। अविवेक हटता जाए बस,
आत्म प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो बात तुम्हें अपने लिए अच्छी नहीं लगती वो आप दूसरे के लिए ना करिए, ये विवेक है। आप नहीं चाहते कि मुझे कोई उल्लू बनाए तो आप दूसरे को उल्लू ना बनाइए। आप नहीं चाहते कि मुझे कोई दुख दे तो आप दूसरे को दुख देने का प्रयत्न न कीजिए। विवेक है सीधा एकदम। हिंदू धर्म का साहित्य कितना साफ सुथरा और कितना जीवन स्पर्शी है। आप नहीं चाहते हैं कि मुझसे कोई धोखा करे तो आप दूसरे से धोखा न करें। लेकिन बापूजी क्या करे, बिना धोखे धड़ीके के तो काम नहीं चलता। आपने विवेक का गला घोंटा है। अगर धोखे धड़ी से ही काम होता है तो मेरे से ज्यादा बोलने में होशियार और धोखाधड़ी में चतुर आदमी के पास भीड़ होनी चाहिए, मेरे पास नहीं होनी चाहिए। जयराम जी की, अच्छे आदमी का आदर नहीं होना चाहिए, धोखेधड़ी वाले का ही आदर होना चाहिए, लुच्चे लुफंगे और बदमाश का ही आदर होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बिल्कुल चैलेंज करके कहता हूं, सच्चे आदमी का ही आदर होता है। जो झूठे धोखेधड़ी वाले बदमाश हैं वे भी अपना मुनीम सच्चा रखना चाहते हैं। धोखाधड़ी से जीवन बिताने वाले दगाबाज भी चाहते कि मेरी पत्नी तो वफादार हो मेरे साथ। जयराम जी की, वफादार बेवफा पति भी पत्नी वफादार चाहता है, बेवफा नेता भी प्रजा वफादार चाहता है, बेवफा सेठ भी अपना मुनीम वफादार चाहता है। तो वफादार तो वफादार को चाहते, लेकिन बेवफा भी वफादार को चाहते हैं। सच्चे को सब चाहते हैं, कपटी को कौन चाहे। हो गया झूठ कपट पोली बने में विवेक का गला घोट रहे हो। मनीष छल कपट करके पीले कपड़े पहन लिए, फलाने कर लिए, इससे काम नहीं चलता। छल कपट को निकालो बस। पीले कपड़े हो तो भले, सफेद हो तो भले, रंगीन हो तो भले, अरे फटे हो तो भले, सुदामा का विवेक जगा है। श्री कृष्ण सुदामा के पैर धो रहे हैं, कितना विवेक का आदर है। श्री कृष्ण द्वारकाधीश सुदामा के पैर धो रहे, पैर धोते धोते पैरों में कांटा चुभा है। रुक्मणी को बोला सोईला, रुक्मणी सुई लाने में देर करती, श्री कृष्ण ने अपने दांतों से अपने मुंह से उस विवेकी ब्राह्मण के चरणों से कांटा चीस लिया है। कैसे है विवेक का आदर करने वाले तुम्हारे कृष्ण। महाभारत का युद्ध पूरा हुआ, श्री कृष्ण मानव मात्र को आनंद देना जिनका कर्षण आकर्षण स्वभाव है, कर्षित आकर्षित और आनंदित करना जिनकी आदत है, वे कृष्ण अंधे धृतराष्ट्र और पट्टीबंधी गांधारी के पास भी गए। चलो युधिष्ठिर, उनके बेटे मर गए, उनको सांत्वना दे। जो युधिष्ठिर सहित श्री कृष्ण गांधारी के करीब पहुंचे तो पट्टियों के नीचे से नजर पड़ी कोपायमान गांधारी की। युधिष्ठिर के पैरों के नाखून काले हो गए, इतनी वो क्रोध अग्नि में तप रही थी, उसका तप इतना। युधिष्ठिर के पैर के नख काले हो गए। गांधारी ने कहा, युधिष्ठिर मैं तुम्हें तो श्राप नहीं दूंगी, मेरे हृदय की पीड़ा श्राप के रूप में निकल तो रही है, लेकिन युधिष्ठिर तुमको नहीं दूंगी श्राप, श्राप दूंगी कृष्ण को। अगर चाहते तो युद्ध रुक सकता था, माँ बाप के जीते जी बेटे मर जाए, माँ से क्या बीतती होगी। कृष्ण कान खोल के सुन ले, मैं गांधारी अपनी तपस्या का बल उपयोग करके तुमको श्रापित करती हूं। मेरे होते होते उसको कोई विवेक देता है?